विन दान धन एन हीन तन छीन इह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत होते उदंगल दूर सब तम जो भानो द्योत। गुणस्थान विवेचन पर अपनी चर्चा चल रही है। गुणस्थान विवेचन में चौथा गुणस्थान चर्चा न करें, फर्स्ट ईयर के कितने विद्यार्थी अभी नहीं आए? हाँ जी साहब, हाँ उसके बारे में चर्चा करेंगे जरूर। कौन है अभी एब्सेंट, बताने वाला है कि नहीं है? कहाँ है? तीन नहीं है, ये तो लगभग लगभग कि हमेशा ही बाद में से आते हैं, ऐसा है क्या? ऐसे ही नज़र में आया, पिछले शिविर में भी देखा, इस शिविर में भी देख रहा हूँ, दो तीन फिक्स हैं। अच्छा, नहीं उसके अलावा और जो चलो ठीक है बैठो, इधर ही अनेकांत तो दोनों फर्स्ट ईयर में ना तीनों, यहाँ जाओ। नहीं नहीं यहाँ पे भी तो अच्छा है, वहाँ श्रोता लोग आएंगे, आ जाओ सब। बहुत सुंदर विषय अपना चतुर्थ गुणस्थान का विषय चल रहा है, आ जाओ बैठो। चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति, इसका मतलब हम समझें कि मोक्ष मार्ग की शुरुआत। चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त हो गया, इसका मतलब मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो गई। अध्यात्म भाषा में कहें चतुर्थ गुणस्थान तो अपने आगम की भाषा में है, अध्यात्म भाषा में अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई, शुद्ध आत्मा का श्रद्धान हो गया, तो वहीं से मोक्ष मार्ग अपना शुरू हो गया। सही साधक दशा चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ हो जाती है, सुख की शुरुआत भी चतुर्थ गुणस्थान से ही होती है, इसके पहले कोई भी जीव सुखी नहीं है। वीतरागता की शुरुआत भी यहीं से होती है। टाइम पे आ जाए करो, नहीं तो कनेक्शन जुड़ा है ना। एक और रह गया अभी, दो है। हाँ एक ड्रेसिंग कर रहा है वो तो ठीक है, उसके अलावा एक और रह गया है। तो साधक दशा की शुरुआत, सुख की शुरुआत, मोक्ष मार्ग की शुरुआत चतुर्थ गुणस्थान से ही होती है। ऐसे चतुर्थ गुणस्थान की चर्चा हम कर रहे हैं। वह चतुर्थ गुणस्थान कौन प्राप्त कर सकता है, उसका पात्र जीव कौन है, उसकी पात्रता के बारे में हमने कल से चर्चा प्रारंभ की थी। तो हमें सबको यदि चतुर्थ गुणस्थान प्राप्त करना है
तो सबसे पहले तो हम देखें कि हमारी पात्रता कितनी होना चाहिए। तो सर्वप्रथम पात्रता के अंतर्गत पहला बिंदु कल हमने देखा था कि यह है चौथा गुणस्थान। चौथा गुणस्थान यह हमने सम्यक दर्शन से चर्चा प्रारंभ की थी कि प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन कहाँ हो सकता है या किसको हो सकता है। तो पहला बिंदु क्या आया था, चारों गतियों में हो सकता है। ठीक है, क्या कहा, नाम क्या आपका, संदीप, तुम्हारी तो पिता किताब है ना, इसमें संदीप लिखा है, संदीप शास्त्री प्रथम वर्ष, ये लिखा है संदीप जैन शास्त्री प्रथम वर्ष, हम नाम पढ़ा। चलो, कितनी गतियों में, चारों गतियों में। दूसरा बिंदु क्या था, भव्य को ही होगा, अभव्य को नहीं। क्या नाम है, आकाश, संदीप आकाश, भव्य को होगा अभव्य को नहीं होगा, है ना। तीसरा बिंदु, हाँ, मिथ्या दृष्टि को ही होगा, है ना, अन्य को नहीं हो सकता। अब अन्य में कौन बचा, सम्यक दृष्टि, तो इस सम्यक दृष्टि को ये प्रथमोपम सम्यक तो नहीं होता। तीन पॉइंट हुए। नंबर चार, संगी पंचेंद्री को ही होगा, असंगी को नहीं होगा। ठीक है, चार पॉइंट हो गए, सबको याद होते जा रहे ना ये। नंबर पांचवा, पर्याप्तक के ही होगा, अपर्याप्तक के नहीं होगा। बोलो निकुंज, हाँ, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक होते हैं, आपका कहना ये है। प्रश्न ये है, कल भी किसी ने कक्षा के बाद पूछा था कि संगी पंचेंद्रिय, जब सब संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक ही हैं तो अलग से उसको क्यों नाम दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं वो संगी होते हैं। कौन, सम्मूर्छन मनुष्य संगी होते हैं लेकिन पर्याप्तक नहीं होते, इसलिए उनके नियम अलग। एक और पॉइंट आया कि संगी को ही होगा और संगियों में भी पर्याप्तक को होगा, अपर्याप्तक को नहीं होगा। ठीक है, पर्याप्तक के भी अपन ने कल विस्तार से चर्चा की थी, है ना। पर्याप्तियां कितनी होती हैं, छह होती हैं। कौन कौन सी, मन, आकाश, क्रम से बताओ तो ज्यादा फायदा है। एक रह गया, हो गए, फिर से, अच्छा संधि बताओ, बहुत अच्छा। सिद्धार्थ, हो गए छह, आहार शरीर इंद्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन, ये छह पर्याप्तियां कही हैं। छह पर्याप्तियों में एक इंद्रिय जीव के कितने पर्याप्तियां, चार, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के पांच, और संगी पंचेंद्रिय के, है ना। लेकिन यहां पर सम्यक्त की प्राप्ति, प्रथमोपम सम्यक्त की प्राप्ति जो कही जा रही है वो कितने पर्याप्ति वाले को ही हो सकती है, छह पर्याप्ति वाले को, है ना। कल अपन ने देखा था पर्याप्तक को होगी तो एक इंद्री भी पर्याप्तक हो सकता है, दो इंद्री भी पर्याप्तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये मत लगा लेना कि जब एक इंद्री भी पर्याप्तक है, दो इंद्री भी है, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, तो उनको भी हो जाएगा, उनको सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो किसको होगा, संगी पंचेंद्री को। ये पॉइंट अपन पहले ले चुके, तो संगी पंचेंद्री को होगा और संगी पंचेंद्री में पर्याप्तक को, लेकिन पर्याप्तक में छह पर्याप्तियां जिसके हों उसको ही यह प्रथमोपम सम्यक्त हो सकता है।
अब अगला बिंदु, छठवां बिंदु क्या था? गर्भज कोई होगा, है ना, लेकिन गर्भज में कंडीशन क्या दी थी? मनुष्य और त्रेंच, मनुष्य त्रेंच गति के जो गर्भज हैं उनको ही प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है, लेकिन देवनारकियों के तो उपाजन में है, उनके भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य त्रेंचों में गर्भज जो है कौन? मनुष्य और त्रेंच, उनको ही प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है, लेकिन जो सम्मूर्छन मनुष्य त्रेंच हैं उनके प्रथमोपशम सम्यक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या कहा? किसके नहीं हो सकता है? हाँ, और मनुष्य का बता दिया, और त्रेंच मनुष्य और बहुत बढ़िया। नाम क्या है? पारस। चलो, संदीप आकाश पारस सिद्धार्थ। चलो, और चार पांच तौर पता ही हैं, है ना, संयम है, विकेश है, अनेकांत है, सर्वेस का तो भूल ही नहीं सकते, और मंथन तो अब तो और ज़्यादा याद रहता है हमेशा के लिए, तुम्हारा नाम माइक पे बोल रहा है ना, लेकिन अभी ये नहीं कहा कि क्यों बोल रहा है, है ना, और सब सुन रहे हैं। ठीक है, बच के रहना कल से, है ना। अगला बिंदु क्या है? मंद कसाई को होगा। हमें आज थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करना है कि मंद कसाई का मतलब क्या होता है। हम सोचते हैं कि जो बहुत शांत बैठा है, किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है, गुस्सा नहीं करता है, हर जगह जाके बहुत आराम से बैठेगा, आराम से उठेगा, किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, भोजन भी कर रहा है तो एकदम इतने शांत भाव से मौन होकर, और उसको कोई परोस रहा है और इतनी अच्छी भाषा बोल रहा है, अरे मुझे क्या परोस, ये जड़ छे माने इतनी अच्छी भाषा, ये तो जड़ है, इसमें क्या होगा, मुझे नहीं चाहिए, क्या है इसमें, इसको तो मैंने आज तक कभी खाया ही नहीं है, मैं तो इसको कभी खा भी नहीं सकता हूँ, ऐसी ऐसी भाषा भी बोले, इतना बढ़िया मधुरता से रहे, सबसे प्रेम भाव भी हो, इतना सब कुछ होने पर भी उसके मंद कसाई होने की गारंटी नहीं है, है ना, ही हमें समझ, सेठी जी आ गए, तभी ठीक हो गई आपकी लगता है, चलो साहब, है ना। लेकिन कोई गुस्सा कर रहा हो, डांट रहा हो, चिल्ला रहा हो, इतना भी कर रहा हो और भोजन में भी अति गृद्धता दिखा रहा हो, ऐसा दिखने पर कोई उसको तीव्र कसाई कह सकता है और कहते ही हैं लोग, लेकिन इससे वो तीव्र कसाई हो ही ऐसा कोई नियम नहीं है। कई बार अपन को भी गुस्सा आ जाती है, जैसे सभा है, सभा में अपन बैठे हैं, यहाँ पे किसी को कुछ कह दिया जाए, गुस्सा करने वाले, मान लो अध्यापक ने जोर से अनुशासन के लिए चिल्ला भी दिया, डांट दिया, फटकार दिया, तो अपन हो सकता है ऐसा कहें बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हैं, बहुत कसाई है तो अध्यापक, है ना, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है? कसाई करने का है कि डिसिप्लिन मेंटेन करने का है, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन, अनुशासन बनाना है, तो अनुशासन बनाने के उद्देश्य से यदि कोई डांट रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ कह रहा है, तो वो तीव्र कसाई की बात नहीं है, है ना। और मान लो कि किसी ने विद्यार्थी को डांटा, और डांटने के बाद हो सकता है कि उसको भी गुस्सा आ जाए, है ना, लेकिन गुस्सा आने पर एकदम चुपचाप सुन लिया, ठीक है, अब आप कह दो, या भरी सभा में हम क्या बोलें, हम आगे आगे पीछे देखेंगे कभी, है ना, तो एकदम शांत भाव से सुन लिया, तो हम क्या सोचेंगे, देखो कितना, देखो शांत प्रणामी है, जवाब भी नहीं दिया, चेहरे पे सिकन भी नहीं आई, इससे ज़्यादा मंद कसाई कौन होगा, है? लेकिन उसके मन में अभी क्या चल रहा है उसका हमें क्या पता, है ना,
इसलिए बाहर के दिखने से मंद कसाय हो या तीव्र कसाय हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। आचार्य परमेष्ठ भी जब संघ का संचालन करते हैं तो संघ के संचालन में भी मुनिराजों की व्यवस्था के लिए किसी को कुछ बोल भी दें तो क्या वो कसाई कहलाएंगे? और किसी मुनिराज ने सुन ली उनकी बात तो वो मुनिराज तो मंद कसाई हो गए और आचार्य तीव्र कसाई हो गए, है ना? ऐसा नियम नहीं है। एक बार आप लोगों को तो पता ही नहीं है, बहुत समय पहले 7-8 साल हो गए, 8-9 साल यहाँ भूकंप आया था, है ना? जो यहाँ साक्षी हैं, सेठ जी भी थे, बहुत लोग थे यहाँ पे। प्रवचन हॉल में अक्टूबर ही शिविर था, अक्टूबर शिविर में ही दादा का प्रवचन चल रहा था, छोटे दादा का प्रवचन, और भूकंप जब आया था तो सब ऐसा हॉल भी हिलने लगा था, है ना? मुझे ध्यान है उस समय अच्छे से पक्का कि दादा प्रवचन करते करते कहते हैं कि जो होना होगा सो हो जाएगा, निश्चिंत रहो। अब जिनकी दृढ़ता है उनकी दृढ़ता है। तो क्या हुआ उस समय, मुझे इसमें एक उदाहरण देना है कि सब लगभग लगभग बैठे रहे, उनमें से कुछ कुछ लोग जिनसे रहा नहीं गया और सहा नहीं गया वो निकल के बाहर चले गए। तो यहाँ के लोग बोले, देखो कैसे धर्म का सुनते हो, डर के भाग गए, है ना? तो वो जो डर के भाग गए, मुझे प्रश्न करना है, प्रश्न ये है कि जो यहाँ से निकल के भाग गए उनको तीव्र कसाई कहेंगे कि जो बैठे हैं वो तीव्र कसाई हैं? ऐसा कुछ नियम बन सकता है? लेकिन देखने में क्या लगेगा, देखो कितनी भय कसाय है, धर्म पे भरोसा भी नहीं है, इतना तत्व ज्ञान का लाभ ले रहे हैं और उस पर भरोसा नहीं है, तो डर के भाग गए। तो कुछ लोग हंसने लगे कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। लेकिन उनके तो मान लो कि एक ही कसाय थी, कौन सी कसाय? भय कसाय, जिन्होंने प्रकट भी कर दी। लेकिन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप क्या सोच रहे हैं कि संबंध कसाई हैं? उनके दो कसाय हैं। कौन कौन सी? भय तो बैठा ही है कि यदि मान लो गिरा तो बेंच के नीचे घुस जाएंगे हम, तो ऐसी प्लानिंग भी चल रही है, कुछ मान लो यहाँ से गिरना शुरू हो गया, टूट फूट गया, प्लानिंग भी चल रही है, आपस में चर्चा भी कर रहे हैं कि मान लो कुछ हो गया तो ऐसी सब वो भी मन मन में धक धक भी हो रही है कि अभी कुछ हो ना जाए, हो ना जाए। लेकिन सब लोग देख रहे हैं तो सबके सामने उठ के भागा भी नहीं जा सकता, लोग क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे कि चक्कर में यहाँ पर भय कसाय भी निरंतर चल रही है और दूसरा मान कसाय का भी पोषण चल रहा है कि देखो हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हम बड़े तत्वज्ञानी कहलाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जो दिख रहा है उसका मतलब वो मंद कसाई है जो शांत भाव से, और जो कसाएं जिसकी दिखाई दे रही हैं तो इसके कारण से वह तीव्र कसाई हो, ऐसा नियम नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जो मंद कसाई का जो नियम बताया तो मंद कसाई कितना, यहाँ तो जो प्रारंभिक भूमिका है यहाँ तो मंद कसाई का मात्र अर्थ इतना ही लेना है कि जिसको अपने कल्याण की रुचि लग गई है, मैं कौन हूँ बस इतना जानने का भाव अंदर से पैदा हो गया है, मुझे अपना कल्याण करना है इसलिए मैं कल्याण कैसे करूँ, इतनी जिज्ञासा जिसको हो गई है वो मंद कसाई जानना चाहिए। क्योंकि जिसे अपने कल्याण की भावना उत्पन्न हो गई है, अपना जिससे भला करना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे वो अपना स्वरूप जानना है, ऐसा जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो गया है वो मंद कसाई है, इतना ही जानना। क्योंकि यहाँ पर तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए इतना भी जिसको अभी भाव उत्पन्न हो गया हो तो वह जीव मंद कसाई है, अपने कल्याण के प्रति जागरूक है और उस जागरूकता के बल पर अब वह आगे बढ़ेगा, है ना? बहुत प्रकार की मंद कसाई नहीं लेना है कि इसने सारे पाप छोड़ दिए, परिग्रह छोड़ दिया, अणुव्रत धारण कर लिए, ये अभी कुछ नहीं है क्योंकि अभी तो पहले ही गुण स्थान है। पहले गुण स्थान में बहुत बड़ी बड़ी कसायों का भाव कर दिया, क्या कर दिया, कितनी कसायों का भाव हो गया पहले गुण स्थान में, तो कोई भी नहीं गई है, अनंत अनुबंधी भी विद्यमान है, अनंत संसार का कारण, सारी कसाएं विद्यमान है, तो कसाएं तो एक भी नहीं गई है, लेकिन मात्र इतनी जिज्ञासा अपने कल्याण के प्रति उत्पन्न हो गई है
ऐसा जीव ही वो मंद कसाई के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस प्रकार ये अपन ने सातवां पॉइंट देखा मंद कसाई। फिर आठवां पॉइंट, मंद कसाई के साथ वह जागृत अवस्था में होना चाहिए। जो प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करना चाह रहा है या जिसे प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करना है उसे जागृत अवस्था में ही होगा, सुप्त अवस्था में नहीं हो सकता। तो सोते सोते किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो हमें ये अगला पॉइंट भी समझना चाहिए कि जागृत रहना जरूरी है। बहुत लोगों को तो ऐसा होता है कि जब जब भी धर्म की बात चलने लगती है, हैं, प्रवचन में बैठ जाते हैं, बाहर तो नींद नहीं आएगी और प्रवचन में आके बैठे और बैठते ही नींद आ गई। तो इससे समझ में आता है कि रुचि कितनी है, हैं, मंद कसाय है कि नहीं है, क्या है, हमें ख्याल करना चाहिए। कि बाहर तो बढ़िया, यदि बहुत लोग मिल गए, गप्पे लगा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है, लेकिन जहाँ स्वाध्याय में बैठे और नींद आना शुरू हो गई। तो ऐसी निद्रा जिनको निरंतर आ रही हो, स्वाध्याय में ही नींद ज़्यादा विशेष आती हो, तो उस जीव का कैसे भला हो। यहाँ तो और जागरूक होना चाहिए, क्योंकि और बाहर के विषय हों के कामों में तो हम कितने जागरूक हो जाते हैं। मान लो 3 घंटे की मूवी देख रहे हों तो वहाँ तो पूरी जागृत अवस्था, नींद आएगी भी नहीं, 3-3 घंटे कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो गया। और यहाँ पर आधा पौन घंटे के स्वाध्याय में भी बैठते ही नींद आना, ये अपनी अरुचि का ही परिचायक है ना। यदि ऐसा हो, कोई कहे नहीं हमें तो कमजोरी है, शरीर में तकलीफ होती है, इस कारण से नींद आती है, तो फिर मैच करना कि हमें विषय भोगों के कार्यों में भी ऐसे नींद आती है क्या। जब गप्पे लगाते हैं, टाइम पास करते हैं इधर उधर, तब नींद आती है क्या, तब वो बीमारी कहाँ जाती है, तब तो नहीं, वो तो फिर वहाँ तो चल जाता है। तो वहाँ चल जाता है और यहीं गड़बड़ होता है, इसका मतलब वास्तविक रुचि नहीं है, अरुचि ही है, इसलिए वो निद्रा विशेष रूप से ऐसे समय पर ज़्यादा आती है। इसलिए जो अगला बिंदु कौन सा कहा कि जागृत अवस्था में ही होगा, सुप्तावस्था में नहीं होगा। कितने बिंदु हो गए, 8। नौवा, साकार ज्ञानोपयोगी कोई होगा, किसको होगा, साकार ज्ञानोपयोगी। साकार का मतलब सविकल्प, विकल्प की भूमिका में चिंतन करना जरूरी है, विचार करना जरूरी है। कोई सोचे कि निर्विकल्प की भूमिका में उस समय सम्यक दर्शन होने का किसी भी तरह से कार्य नहीं हो सकता। जो विचार ही नहीं कर रहा हो, तत्व निर्णय का विचार नहीं कर रहा हो, भेद विज्ञान का विचार नहीं कर रहा हो, स्वपर के अभ्यास, स्वपर के भेद विज्ञान का विचार नहीं कर रहा हो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है। इसलिए साकार ज्ञानोपयोगी का मतलब सविकल्प, जो चिंतन कर रहा हो, भेद विज्ञान का विचार कर रहा हो, सातों तत्वों का विकल्पात्मक रूप से विचार कर रहा हो, ऐसा विचारवान जीव ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो विचार ही नहीं कर रहा हो, ऐसा जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं है। ठीक है, 9 बिंदु हो गए। और अब अंतिम 10वां बिंदु। इन 9 के अलावा 10वां बिंदु है, इसके साथ 5 लब्धियों का होना भी अनिवार्य है। कितनी लब्धि, 5 लब्धि। देखो, इतनी प्रारंभिक भूमिका में इतने तो चाहिए ही चाहिए। अब इनमें से पहले हमें चेक करें कि इनमें से हमारे पास कितनी चीजें हैं। पहला पॉइंट, 4 गतियों में से हम मनुष्य गति वाले हैं, हमारे पास पहला सर्टिफिकेट है, पात्रता प्रमाण पत्र। ठीक है साहब, दूसरा वाला है कि नहीं है, भव्य वाला है कि नहीं है, कि डाउट है, ऐसा तो है नहीं कोई कि किसी को शंका हो कि हम भव्य हैं कि
अब हमें कई लोग इसमें ही पूछते रहते हैं, है ना। तो दूसरा बिंदु भी हमारे पास है, तीसरा मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है। अब है ये भी सभी हैं कह रहे हैं कि कोई कोई नहीं, सब नहीं बोल रहे हैं इसमें, भव्य का तो सभी बोल रहे हैं, लेकिन तीसरा मिथ्या दृष्टि को होगा प्रथमोपम सम्यक, तो तीसरी कंडीशन है कि नहीं है। ठीक है, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी को क्षयोपशमिक भी हो सकता है, है ना। तो फिर वो इस कंडीशन के अंतर्गत नहीं आएगा। देखो प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त करना है तो मिथ्या दृष्टि होना कंपल्सरी है। जैसे वो पिछले शिविर में अपन ने चर्चा की थी ना कि यहाँ से विदेश क्षेत्र में कितने जीव जाएंगे, 123। अब 123 जो जीव जाएंगे वो भी कौन जाएंगे, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, यहाँ से वो जो मोक्ष जाने वाले वो सम्यक दृष्टि नहीं जाएंगे। तो कोई सोचे कि यार मिथ्या दृष्टि ही जाएंगे तो हम क्या करें, तो फिर तो हम इंतजार करते हैं, मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, क्योंकि वो ही जा सकते हैं और उनका ही मोक्ष होगा, तो हम सम्यक दर्शन का उपाय ही ना करें। तो कहते ऐसे जीव नियम से उन 123 में नहीं आ सकते हैं। जो अभी पुरुषार्थ कर रहा है कि मुझे तो अभी सम्यक दर्शन लेना है, मैं सम्यक दर्शन से एक समय भी दूर नहीं रह सकता, मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है और अभी करना है, ऐसे जीव निरंतर जो आत्म कल्याण में लगे रहते हैं और इस भाव में यदि चूक जाएं, तो उनमें से उन्हीं जीवों में से किसी का नंबर वहां हो सकता है। लेकिन जो सोचे कि हम विदेश क्षेत्र में जाके सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, उनका तो गारंटेड उनमें नंबर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसने बहुत बड़ी विराधना की। दादा के प्रवचन में भी चल रहा था ना वो शुद्ध उपयोग वाला, ध्यान है नहीं ध्यान, शुद्ध उपयोग की चर्चा आई थी। हाँ, शुद्ध उपयोग को भुलाना ये सबसे बड़ा अपराध है। तो हमने भी अपना सबसे बड़ा अपराध कौन सा किया कि मैं अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करूंगा, मैं तो कब करूंगा, वहां पर विदेश क्षेत्र में करूंगा। तो हमने इतने समय तक उसकी विराधना की है, और विराधना की है क्योंकि शुद्ध उपयोग तो हम अभी कर सकते हैं, और अभी कर सकते हैं तो हमने अभी ना करके हमने सोचा कि तब करेंगे। तो इतने समय तक जिस जीव ने शुद्धोपयोग की विराधना की हो, शुद्धात्म तत्व की विराधना की हो, ऐसा जीव तो किसी भी हालत में उन 123 में नहीं आ सकता है। इसलिए हमें वो बात छोड़ देना चाहिए कि हमारा नंबर उसमें होगा कि नहीं होगा। हाँ नहीं, 123 है नहीं, 923 तो अलग हैं और ये 123 हैं, 123 है, 123। हाँ, वो तो 3000 वर्ष में है, 3000 वर्ष का क्रम है ना, वो उसके संख्या भी दी है ना। हाँ बराबर, 64, 32, 16, 8 ये क्रम है। खैर अपन को उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना अभी, कि 3000 वर्ष में इतने इतने जीव वहाँ पर विदेश क्षेत्र में जाके जो भद्र मिथ्या दृष्टि हैं वो वहाँ जाके जन्म लेते हैं और फिर वहाँ से मोक्ष जाते हैं। खैर अपन को ये देखना है कि वो भी मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं, है ना, और यहाँ पर जो प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त करने वाला जीव है राजेश जी भाई साहब, ये भी कौन है, मिथ्या दृष्टि। यहाँ पर भी लेकिन हमें ऐसी भावना नहीं भाना है, कौन सी, कि प्रथमोपम सम्यक तो करना है तो क्या हमें होना जरूरी है, इसलिए हम क्या बने पहले, तो यदि हमें सम्यक दर्शन भी हो कौन सा, क्षयोपशमिक तो सबसे पहले छोड़ दो है ना, क्षयोपशमिक छोड़ के अब हम क्या करें, प्रथमोपम सम्यक तो उपाय करें, तो कौन सी समझदारी हो गई है, तो मूर्खता जैसा काम हो गया है ना। लेकिन ये वाली कंडीशन यहाँ पर जरूर है कि मिथ्या दृष्टि होगा वही प्रथमोपम सम्यक तो प्राप्त करेगा। तो ए वाली कंडीशन हमें लगाते जाना है कि ए वाली हमारे पास है कि नहीं है। अब आगे कौन सा बताया था, संगी पंचेंद्री, वो तो हम सब हैं ही, पक्का हैं। फिर गर्भ पर्याप्तक, पर्याप्तक भी सब हैं। इसमें भी कई लोगों को डाउट होता रहता है, एक मिनट में बता देता हूँ कि जो मनुष्य होते ना गर्भज मनुष्य, इस सब के सब नियम से पर्याप्तक ही होते हैं। यदि गर्भ में भी उनका मरण हो जाए तब भी वो पर्याप्तक ही हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि गर्भ में ही जिनका मरण हो गया, जन्म ही नहीं लिया, तो अपर्याप्तक होंगे, ऐसा नहीं है।
वो भी सब पर्याप्तक हैं, है ना। लेकिन इतना है कि वहाँ पे सम्यक दर्शन नहीं होगा, उसकी अलग कंडीशन है कि कितनी उम्र होना चाहिए तब होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। अभी देखें मनुष्य और त्रयंच गर्भज, तो हम मनुष्य गर्भज हैं तो हमें वो पात्रता है। अगला मंद कसाई है कि नहीं है, ये हमें अपना अपना चेक करना चाहिए, एक दूसरे की कोई चेक ना करे, क्योंकि कोई किसी की मंद कसाई और तीव्र कसाई को पहचान नहीं सकता है। बाहर से दिखने में कोई तीव्र कसाई या मंद कसाई दिखाई दे रहा हो तो बाहर से देखने का और अंदर में होने का ऐसा अपन सर्वथा नियम नहीं बना सकते हैं, है ना, क्योंकि वो है ना नाटक समय सार ग्रंथ में भी उत्तम पुरुष की दशा जो किसमिस दाख, ये सुना है नहीं सुना, पर उसमें मध्यम पुरुष पर अधम पुरुष पर अधमाधम पुरुष चार प्रकार के पुरुष बताए, है ना। तो मध्यम पुरुष की दशा बताई किसकी समान नहीं पता, चलो वो अंदर से तो कठोर दिखता है और बाहर से नहीं, बाहर से कठोर दिखता है और अंदर से नरम होता है, कौन मध्यम पुरुष, है ना, किसके समान नारियल के समान, बाहर से तो नरम, बाहर से कठोर और अंदर से नरम। बेर का तो अधम वाले में जाएगा क्योंकि बाहर से तो नरम दिख रहा है मायाचारी और अंदर से कठोर है, तो वो तो बेर वाला तो धारण दिया है अधम वाले के लिए, है ना। तो मध्यम पुरुष को नारियल के समान कहा कि बाहर से तो कठोर दिख रहा है लेकिन अंदर नरम है, तो इसलिए बाहर में कैसा दिख रहा है उससे हम ये नहीं कह सकते कि वो तीव्र कसाई है कि मंद कसाई। बाहर कैसा भी आचरण हो सकता है, बाहर में गुस्सा आदि हो सकता है, मान कसाई भी हो सकती है, दिख सकती है, लेकिन अंतरंग में उसके परिणाम कैसे हैं वो हमें स्वयं को स्वयं पे घटित करना चाहिए कि मुझे अपने आत्म कल्याण की रुचि है कि नहीं है, मुझे अपना भला करना है ऐसा पक्का हमारे अंदर निर्णय है कि नहीं है। यदि ऐसा है तब तो समझना हम मंद कसाई हैं, है ना। नेक्स्ट, जागृत अवस्था में हम सभी हैं कि नहीं है, है ना, है अभी तो है सब, है ना, धोखे से कोई ना हो तो जाग जाए, नहीं तो ये नहीं मिलेगा लाभ। फिर साकार ज्ञान उपयोगी माने सविकल्पात्मक चिंतन विचार करना जरूरी है, तो उसके साथ तो ये सारी चीजें तो हमारे अंदर हैं। और अंतिम कौन बताया, पंचलब्धि। इतनी सारी जो नौ अवस्थाएं कहीं, नौ तो सबके पास है ही, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अब कर्णानियोग के प्रकरण में एक और पॉइंट दिया, पांच लब्धि पूर्वक ही हो सकता है। अब पांचों लब्धियों में भी पांचवी लब्धि मुख्य है, पांचों लब्धियों में भी कौन सी लब्धि मुख्य है, पांचवी लब्धि मुख्य है, कर्ण लब्धि। वह जिसके होगी उसको ही सम्यक दर्शन होगा। चार लब्धियां तो भव्य को भी हो सकती हैं और अभव्य को भी हो सकती हैं। लब्धि सार ग्रंथ में एक गाथा है, खय ओव समय विसोही देशण पाउग्य कर्ण लब्धि है चत्तारी वी सामन्ना कर्णम पुण हो सम्मतम। क्या कहा, खय ओव समय माने क्षयोपम, क्षयोपम लब्धि, विसोही, विसोही माने विशुद्धि लब्धि, देशण, देशण लब्धि, पाओग प्रायोलब्धि, कर्ण लब्धि और कर्ण लब्धि, ये पांच लब्धियां एक ही लाइन में बता दी, खयोब समय विसोही देशण पाओग कर्ण लब्धि है। चत्तारी वी सामन्ना के चार जो हैं इनमें पहले की वो तो सामान्य हैं, कॉमन हैं, भव्य के भी हो सकती हैं और अभव्य के भी हो सकती हैं, लेकिन कर्णम पुण हो ही सम्मतम कि कर्ण लब्धि जिस जीव के हो जाती है उसे नियम से सम्यक की प्राप्ति होती ही होती है ना। सिद्धार्थ क्या कहा, हाँ एक सेकंड बस संदीप, फिर सम्यक दर्शन नियम से होगा, माने कर्ण लब्धि का होना और सम्यक दर्शन का होना ये सर्वथा नियम है, ये मत समझना कि उसमें कोई दूसरा ऑप्शन भी है,
कोई कहे मरण हो गया बीच में तो मरण भी नहीं होता। गजब की बात तो यह है, जिस जीव के करण लब्धि के प्रथम समय में भी जिसने एंट्री कर ली, अब तो दुनिया की ताकत भी उसको मार नहीं सकती। गजब है, चमत्कार है। जैसे अपन तीसरे गुण स्थान में चर्चा करते थे ना कि तीसरे गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता, संजय जी भाई साहब, तो हम क्या करें, कहां जाके छिप के बैठ जाएं? तीसरे गुण स्थान में चले जाते हैं तो हमारा फिर मरण नहीं होगा। अब एक जगह और मिल गई, कौन सी जगह? करण लब्धि में। करण लब्धि में बस बैठे रहो हमेशा तो मरण होना संभव नहीं है। तो करण लब्धि में पहुंचते ही ये पक्का हो गया कि सम्यक दर्शन होगा ही और उसके बीच में उस जीव का मरण भी नहीं होता। हम बहुत संक्षेप में, पहली जो सर्वोत्तम लब्धि, विशुद्धि, देशना और प्रायोग, इनकी चर्चा हम बहुत संक्षेप में करेंगे। विस्तार से करण लब्धि की चर्चा हम जरूर करेंगे। देख लें सामान्य रूप से, पहली लब्धि कौन सी? सर्वोत्तम। सर्वोत्तम लब्धि क्या होती है? ज्यादातर लोगों का ऐसे समझने में आ जाता है कि सर्वोत्तम की प्राप्ति है ना, किसकी प्राप्ति? सर्वोत्तम की, जो सर्वोत्तम ज्ञान है ना, उस सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति का होना सर्वोत्तम लब्धि है। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम ज्ञान तो एक इंद्री को भी होता है, दो इंद्री को भी होता है, तीन इंद्री को भी, चार इंद्री को भी, असंगी पंचेंद्री को भी, संगी पंचेंद्री, किसी को भी होता है। तो सर्वोत्तम ज्ञान की प्राप्ति का नाम सर्वोत्तम लब्धि नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द का प्रयोग कई जगह होता है, वो भी जान लें। एक तो होता है सर्वोत्तम ज्ञान, क्या होता है? सर्वोत्तम ज्ञान। एक होता है सर्वोत्तम लब्धि, जो अपन बात कर रहे हैं दो, एक होता है सर्वोत्तम सम्यक्त और एक होता है सर्वोत्तम चारित्र, भाव भी होता है, अपन इन चार को ही मुख्यता से बात कर रहे हैं। एक होता है सर्वोत्तम ज्ञान, ठीक है, क्या होता है? नाम क्या तुम्हारा? अंकित। कौन सा? सर्वोत्तम ज्ञान। और दूसरा क्या होता है आकाश? सर्वोत्तम लब्धि। संदीप, तीसरा क्या होता है? सर्वोत्तम सम्यक्त। और चौथा पारस? सर्वोत्तम चारित्र। चारों में अंतर हो गया? अंतर तो नहीं हुआ, अभी चार पॉइंट हुए बस, तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर समझ लें, जिससे हमें सर्वोत्तम लब्धि अलग है कुछ इनसे, वो हमें ख्याल में आएगा। नहीं तो जहां सर्वोत्तम सुना और हम सबकी खिचड़ी बना देते हैं, समझ में नहीं आता कि सर्वोत्तम मतलब ये क्या चीज है, ज्ञान है कि लब्धि है कि सम्यक्त है कि चारित्र है कि क्या है। तो पहले तो ये समझ लें कि सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान तो ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय है ना, इनके सर्वोत्तम से जो जीव को जो जानने देखने की योग्यता प्रकट होती है वह सर्वोत्तम ज्ञान है। सर्वोत्तम ज्ञान पहले गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक होता है। कौन से गुण स्थान से? पहले गुण स्थान से बारहवें तक, माने एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनके भी सर्वोत्तम ज्ञान है, संगी पंचेंद्री उनके भी सर्वोत्तम ज्ञान है, फिर ऊपर पहले गुण स्थान से दूसरे तीसरे से बारहवें गुण स्थान तक सर्वोत्तम ज्ञान होता है। नंबर दो, लब्धि को थोड़ा साइड में रखो, अगली दूसरी चीज समझते हैं। एक सर्वोत्तम सम्यक्त, तो सर्वोत्तम सम्यक्त शुद्धात्मा की अनुभूति और फिर कर्मों का जो भी होता है, उदय मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदय अवाविषय, उन्हीं का भविष्य में सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय, तो इससे होता है सर्वोत्तम सम्यक्त। और सर्वोत्तम सम्यक्त का गुण स्थान कौन सा? चौथे से सातवा, ठीक है, कहां से? चौथे से सातवा। सर्वोत्तम ज्ञान के गुण स्थान है पहले से बारहवा, सर्वोत्तम सम्यक्त के गुण स्थान है चौथे से सातवा, फिर है सर्वोत्तम चारित्र, उसका कौन सा गुण स्थान? छठवे से दसवा। सर्वोत्तम चारित्र कहां से कहां तक? छठवे से दसवें गुण स्थान तक, है ना, वो उपशम श्रेणी वहां पर भी है ना, सर्वोत्तम चारित्र ही है, उपचार से उपशम चारित्र भी घटित करते हैं, फिर वो असली तो उपशम एक चारित्र ग्यारहवें में है,
चौथे पांचवे में नहीं है, छठवे से है ना, शाव समेक चार अत्र, छठवे से दसवे तक, तो ये तीन हो गए। फिर से एक बार सुन लें, शयोसम ज्ञान कहाँ से कहाँ तक, पहले से बारहवें तक। हमें इनका डिटेल ज़्यादा नहीं करना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ, नहीं तो कोई सोचे बहुत भाग रहे हैं। हमें मूल पढ़ना है शयोसम लब्धि, तो पहले गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक शयोसम ज्ञान, चौथे से सातवें तक शयोसम सम्यक, और छठवें से दसवें तक शयोसम चारित्र, और शयोसम लब्धि मात्र पहले गुण स्थान में। देख लो कितना अंतर है, शयोसम लब्धि मात्र पहले गुण स्थान में ही होती है, और उनके अन्य के गुण स्थान देख लो कितने ज्यादा ज्यादा हैं। तो शयोसम लब्धि बिल्कुल अलग चीज है, और शयोसम लब्धि किसे कहते हैं, शयोसम ज्ञान की प्राप्ति का नाम शयोसम लब्धि नहीं। अच्छा आप बताएंगे क्या, हाँ प्रश्न है, माइक माइक दो। ये जो छह उपसम लब्धि और छह उपसम में अंतर, मतलब आपने बताया कि लब प्राप्ति मतलब छह उपसम की प्राप्ति लब्धि नहीं है, हाँ। ये किस आधार पे मतलब? अच्छा आपका प्रश्न है, ज्यादातर अपन ये सोचते हैं छह उपसम और उसकी लब्धि माने प्राप्ति, लब धातु से बना है शब्द, लब्धि जो है ना किस धातु से, लब धातु से, लब माने लाभ होना प्राप्त होना, तो शयोपसम की प्राप्ति उसका नाम है शयोपसम लब्धि, सामान्य परिभाषा तो यही बनती है। तो इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं शयोपसम ज्ञान की प्राप्ति उसका नाम शयोपसम लब्धि है। लेकिन मुझे बताइए कि यदि शयोपसम ज्ञान की प्राप्ति को शयोपसम लब्धि कहेंगे तो शयोपसम लब्धि कितने गुण स्थानों में पहुंच जाएगी, पहले से बारहवें तक, और यहां तो बता रहे हैं कि पांचों लब्धियां हों तभी सम्यक दर्शन होगा, तो इसका मतलब शयोपसम लब्धि पहले ही में है ना, तो पहले में है और अब पहले गुण स्थान में है, तो उसका स्वरूप क्या है ये हम समझ लें। ये सब आगम में शास्त्र में बहुत जगह लिखा है। तो शयोपसम लब्धि का मतलब है कि जिस समय इस जीव के ज्ञानावरणादि आठ कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का, फिर से सुनना, जिस समय इस जीव के ये नो कंडीशन वाले, ये नो कंडीशन से सहित जो जीव है ना, ये दसवें पे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो जिस जीव के ज्ञानावरणादि कितने कर्म हैं, आठ कर्म, उन आठों कर्मों की जो जो भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, है ना, अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उन अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग जिस समय अनंत गुणाहीन हीन होकर उदय में आने लगे, अप्रशस्त प्रशस्त की बात नहीं कर रहे हैं, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, फल देने की शक्ति, उनका रस जिस समय अनंत गुणा हीन हीन होकर उदय में आने लगे, उस समय शयोपसम लब्धि जानना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं अभी, है ना, क्योंकि कुछ कुछ नए शब्द हैं, कठिन से भी लगते हैं, पहली बार सुने होंगे तो अटपटा लगता है, सब जगह माने आठों कर्मों में, क्योंकि प्रशस्त अप्रशस्त का विभाजन सब में है, घाती कर्म तो सारा अप्रशस्त ही है, घाती कर्म तो जितनी 47 प्रकृतियां हैं घाती कर्म की, वो तो सब की सब अप्रशस्त ही हैं, और अघाती कर्म में ये प्रशस्त अप्रशस्त का भेद होता है, तो उनमें घाती कर्म की तो पूरी, और अघाती कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उन सब का अनुभाग जिस समय अनंत गुणा हीन हीन होकर उदय में आने लग जाए, उस समय की अवस्था को समझना कि जीव को शयोपसम लब्धि की प्राप्ति हुई है ना। अब भक्ति शुरू हो गई, चलो बोलो। हाँ चल अपन इसको और डिटेल से देखेंगे, शयोपसम लब्धि थोड़ा सा, फिर विशुद्धि आदि बढ़ेंगे, अभी तो प्रश्न बोल सकते हैं।
अनंत गुना अनुभाग हीन हीन होता है, तो जैसे कि अगर सबकी इसमें सब जितने भी अप्रशस्त प्रकृतियां होंगी सबकी ये नियम होगा सबकी, तो जैसे कि नाम कर्म है, नाम कर्म में दूसवर आदि कर्म है, तो ये सब अप्रशस्त मान बिल्कुल है। तो निश्चित ही है कि जिसको भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना होगा उसका सूस्वर कर्म का उदय आने लगेगा। सम्यक दर्शन तो भी बहुत दूर है, मतलब जिसको भी क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो रही है, तो क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करने वाले जीव का निश्चित ही दूसवर आदि अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटेगा ही, बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल घटेगा। जैसे कि शरीर में जैसे कि कालापन वगैरह हो जाता है, ये भी अप्रशस्त कहलाएंगे। तो ये मतलब नाम कर्म के आधार से जो शरीर आधारित जो भी चीजें वो भी सुधरने लग जाएंगी। तो काले का सफेद में नहीं बदलेगा, कालापन है ना, उसमें नाम कर्म की जो अप्रशस्त है वो जितने अपन भेद गिनेंगे, नहीं तो ऐसा अपन को ऐसा लगे कि काले का सफेद में बदले तो इसका मतलब जो थोड़ा गोरा गोरा होने लगा इसका मतलब उसको सर्वसम लब्धि हो गई है ना, और फिर जो ज्यादा ही काले वर्ण वाले हैं उनको तो सर्वसम लब्धि नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें जो नाम कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं वो गिनना, और उसमें जो जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं घाती कर्म की जो सब और अघाती की जितनी, उनका अनुभाग है ना, बाहर में से काले का सफेद हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं, अनुभाग अनंत गुणा घटता चला जाएगा, और अनुभाग घटता जाएगा उस जिस समय अनंत गुणा घटता जाएगा उस समय सर्वसम लब्धि जानना चाहिए, है ना। बोलो हाँ, माइक माइक दीजिए इनको। हेलो, वो जीव की कौन सी कंडीशन होगी कि जब उसमें ये दसों बातें पाई जाएंगी, मतलब या जब वो स्वाध्याय कर रहा होगा तो स्वाध्याय में भी अगर वो जागृत, मतलब जागृत से क्या लेना, आंख खुली होना जरूरी है क्या? बिल्कुल। तो फिर वो कंडीशन कौन सी होगी जब जीव में ये दसों बातें पाई जाएंगी? लगा लो अपने हिसाब से, है ना, ये ऊपर से यहाँ तक छह तक तो समस्या है ही नहीं कहीं से कहीं, है ना, छह तक वाले में तो कहीं पे भी हो, आप कुछ भी कर रहे हो तो शुरू से छह वाले में तो कहीं कोई समस्या नहीं है, चाहे आप लड़ रहे हो झगड़ रहे हो कुछ भी कर रहे हो, धर्म का काम पूजा पाठ स्वाध्याय या कार्यक्रम से गायब हो जाओ, उस कंडीशन में भी छह तो पक्की पक्की हैं। अब मंद कसाई, जागृत अवस्था और साकार ज्ञान उपयोग, इन तीनों का अपने हिसाब से लगा लो कि जरूर, देखो बाहर में बैठे और क्रियाओं से तो पकड़ नहीं सकते, ठीक है, बात तो वहीं घूम फिर के आ जाती है कि कोई कहेगा नहीं हम स्वाध्याय में बैठे हो तो ये सब आ जाए, स्वाध्याय में भी बैठे हो तो यदि जबरदस्ती बैठे होगे तो कैसे आ जाएगा, माने घर पे भी बैठे हो, रूम पे भी बैठे हो, कहीं और भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में, तो वहां पर भी बैठे हो, खड़े हो, चल फिर रहे हो, है ना, बैठना भी जरूरी नहीं है, दौड़ भी रहे हो, तब भी मंद कसाय होना, जागृत अवस्था होना और सविकल्प माने चिंतन विचार चल रहा हो विकल्पात्मक, इस स्वाध्यायी ऐसी कंडीशन हो सकती है, एक अपन मोटे स्तर पे लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम स्वाध्याय भी नहीं कर रहे हो, बस बैठे हो कहीं एकांत में चिंतन कर रहे हो, तो उस समय भी हो सकती है, हाँ चिंतन, क्योंकि सविकल्प जो सविकल्प का है ना नौवां पॉइंट साकार ज्ञान उपयोगी, ये तो विचार करने वाला जीव होगा, है ना, स्वाध्याय का मतलब ऐसा पढ़ना ऐसा जरूरी नहीं है, विचार कर रहा होगा उस समय एक कंडीशन आएगी तत्व विचार वाले को। संगी पंचेंद्रिय साकार उपयोगी होगा ना, कंपलसरी? कंपलसरी नहीं है, संगी पंचेंद्री जो है आपका प्रश्न है, जो संगी पंचेंद्री है वह साकार ज्ञानोपयोगी होगा ही, तो उसके दर्शन भी है और ज्ञान भी है, ये बात तो पक्की है, लेकिन यहाँ साकार ज्ञानोपयोगी कौन सा लेना कि जो तत्व विचार में लगा हुआ हो, तो तत्व विचार में जो लगा होगा वो लगा होगा, जो नहीं लगा होगा वो नहीं लगा होगा। हाँ यहाँ पर अलग है, चिंतन वाला सविकल्पात्मक चिंतन कर रहा हो, है ना, स्वपर का भेद विज्ञान का सप्त तत्वों का, वो यहाँ पर लेना नहीं, अभी ध्यान वाला तो काम ही नहीं है, है ना। चलिए
बोले 24वां भगवान की जय हो।